हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी प्री एग्जाम में दो पेपर का एग्जाम होता है। एक जिसको हम लोग जेएस पेपर कहते हैं, सेकंड जिसको हम सीसेट पेपर कहते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए हम उसका पूरा पैटर्न देखेंगे, उसकी स्ट्रेटजी देखेंगे और पिछले 10 सालों का क्या ट्रेंड रहा है सीसेट पेपर में, ये भी जानेंगे। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा और ये रिसोर्सेज फ्रीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो सब कैसे करना है वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। खास करके उन स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगा जो पहली बार यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं 2022 में। तो ये राइट टाइम है सीसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आज 25 फरवरी है और आगे आप देखेंगे कि आप मार्च से, अगर आप इन 5 दिनों में अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और आप 1 मार्च से इसको स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन करना, तब आपके लिए सफिशियंट टाइम रहेगा। सीसेट को आराम से आप बहुत ही कम टाइम में इसको मैनेज कर सकते हैं। और कैसे मैनेज करना है वो सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है ना सीसेट के लिए, ये 2022 के लिए नहीं, आप 2023-24 के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके कंडीशन को समझ लें, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और इस तरीके से जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपको 200 मार्क्स का, ठीक है। और इसके 33% जो है वो आपको लाने रहते हैं। कितने? तो केवल 33% जो है वो आपको लाने हैं। और यही जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स हैं, यही आपका पासिंग मार्क्स है। तो आपको इतने प्रतिशत जो है वो लाने हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि निगेटिव है, निगेटिव में 1/3 आपका निगेटिव है, यानी कि आप 3 गलत क्वेश्चन करेंगे तो 1 मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पूरी जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो केवल 33% के लिए रहने वाली है, क्योंकि इतना ही हम लाएंगे तो हमारा जो ये सीसेट पेपर है वो क्रैक हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही कम और सिलेक्टिव मेहनत करेंगे और इसको सिर्फ क्रैक करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस हमारा क्या रहने वाला है और क्या पिछले 10 सालों का रहा है। दोस्तों, 27 फरवरी को मॉर्निंग 11 AM में अन अकेडमी के द्वारा अल्ट्रा कॉम्बैट कराया जा रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने से एक तो आपका टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हो जाएगा, जो कि आपके प्रीलिम्स 2022 में भी मदद करेगा। दूसरी चीज कि अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपको लॉट्स ऑफ जो गैजेट हैं वो आप जीत सकते हैं। और 5000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एमेजोन का गिफ्ट वाउचर जो है वो मिलेगा, और जो रैंकर होंगे उनमें मैक, डेल और इस तरीके के जो गैजेट हैं वो जीत सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या करना है तो ये ध्यान रखिए, टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 56 क्वेश्चन होंगे, आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 60 मिनट का। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR, ये सारे वही टॉपिक है जो यूपीएससी प्री का टॉपिक है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी कुछ तैयारी कर ली है तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। डेट फिर से याद रखिए, 27 फरवरी मॉर्निंग के 11 AM में आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। इनरोल करते टाइम में आप इस कोड को यूज करिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सीसेट पेपर का एग्जाम 2012 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने जब सेगमेंट वाइज टोटल जो मार्क्स लिखा है वो 2012 को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें सब रेंडम था, कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया गया था। इसलिए हम लोग 2013 से ऑनवर्ड 2020 तक का सारा सेगमेंट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे आपका सेगमेंट है कि ये सेगमेंट और यहाँ पे ईयर, कौन सी ईयर में कितने मार्क्स का किस टॉपिक से पूछा गया है। तो जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्रिहेंशन, ठीक है। कंप्रिहेंशन में अलग अलग तरीके के पैसे जाते हैं, और ज़्यादातर जो है वो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ज़्यादा जो कंप्रिहेंशन है वो आता है। कंप्रिहेंशन अलग अलग टाइप के होता है, जैसे अगर कोई एक पैसेज है जिससे एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें वर्ड लिमिट जो है वो कम होती है, अगर उस पैसेज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें जो पैसेज है वो भी बड़ा होता है। तो इस टाइप का कंप्रिहेंशन जो है वो उसमें होता है।
तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कंप्रिहेंशन के ऊपर, क्योंकि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और ख़ास करके उसमें मैथमेटिक्स, तब तो आप इस वाले जो टॉपिक है मैथमेटिक्स पे ज़्यादा आप फोकस करोगे, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 2013 में 32 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ कंप्रिहेंशन से, 14 में 32, 15 में 30, 16 में 27, 17 में 30, यानी कि आप देखोगे तो ओवरऑल करीब करीब 30 के आसपास में मान लो कि यहाँ पे कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। अगर पिछले 3 साल का बात करें तो यहाँ पे 19 में 30 है, 20 में 25 है, और जो 21 में है वो 26 क्वेश्चन है। तो मान के चलो कि यही 25-30 के आसपास में जो है वो कंप्रिहेंशन 2022 में भी आएगा। अगर हम लोग बेसिक न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिक्स की बात करें तो 2013 में 9 क्वेश्चन आया था, चूँकि ये अभी स्टार्टिंग ही हुई है 2012 से और ये ऑनवर्ड बढ़ते चला गया है। तो यहाँ पे देखोगे 16, 20, 28, 24, 17, 26, 22 और 21। तो मान के चलो कि यहाँ पे पिछले 3 साल का तो 26, 22, 21 यानी कि आप मान लो कि 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके बेसिक न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन आने हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि अगर आप इस बैच में देखोगे तो 0 क्वेश्चन है ना, यानी कि पूछा ही नहीं है, लेकिन 2018 में 12 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके बाद से पूछ रहे हैं। 2019 में देखोगे 10 पूछा, फिर 11 और फिर 2021 में 17 क्वेश्चन पूछा। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि 10 से 15 के आसपास में 2022 में भी इसका क्वेश्चन रहने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा रीजनिंग है और एनालिटिकल एबिलिटी है। तो ये पहले 28 मार्क्स का, फिर 27, 30, 25, 26, 25, 14, 22, 16, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ 14, 22, 16, तो आप मान के चल सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि 15 से लेके 20 के आसपास में जो क्वेश्चन है वो आपके एनालिटिकल जो एबिलिटी और एनालिटिकल जो रीजनिंग है वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अब आपको टारगेट कितना करना है, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है अब कि हमें कितना टारगेट करना है ताकि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। इसमें आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो यूपीएससी आपको अवार्ड नहीं देगा, तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है तो उतना ही लेके चलिए जो एकदम सही से क्वालिफाई हो जाए, ज़्यादा इसमें टाइम खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, राइट आंसर आपके होने चाहिए कितने, 27, यानी कि 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आपको मार्क्स मिलेंगे अराउंड 67.5, तो मान के चलो कि 68, यानी कि इतना मार्क्स आपको मिल गए, 27 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लिए। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 27 क्वेश्चन बनाए और 27 के 27 सही हो जाए, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे साथ होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने 3 जो स्टेज हैं वो लिखे हैं, इनमें से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हो या थोड़ा सा आगे पीछे इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सही कितना होना चाहिए उसमें, रॉन्ग क्वेश्चन कितना होना चाहिए, तब आपका क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में मान के चलो अगर आप 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 30 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए, 9 क्वेश्चन आपको गलत करने की जो है वो आपको अनुमति मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत ही करना है, एक हो गई कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कि चलो 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 9 गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएंगे, तो 9 क्वेश्चन गलत किए तो यहाँ पे 3 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, तो 30 में से 3 घटा लोगे 27, यानी कि 27 क्वेश्चन सही हो गया, मतलब आप क्वालिफाई हो गए। तो यहाँ पे टिक हो गया कि आप क्वालिफाई कर लिए। फिर इससे आगे बढ़ोगे कि नहीं इससे थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, 47, तो 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके सही होने चाहिए कितने, 32, तो गलत करने की जो आपके पास एबिलिटी हो जाती है यानी कि आप गलत कर सकते हो 15 क्वेश्चन, तब भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर रहे हो। उसी तरीके से अगर आप 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको
35 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 24 गलत क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तब भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ 35 क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए, 24 गलत कर सकते हैं, मतलब ये सही है, ये सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एक क्वेश्चन पे आपको 3 मिनट का टाइम जो है वो मिलता है, ठीक है। अगर आप 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2.5 मिनट का पर क्वेश्चन टाइम मिलता है। वहीं पे अगर आप 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट का टाइम मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिस क्वेश्चन पे आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उसकी सही होने की पॉसिबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल एक अप्रोच क्या होना चाहिए, तो ये आप 47 को कंसीडर कर सकते हो और इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि 50 के आसपास में रख सकते हो और 15-16 क्वेश्चन गलत होने के आसपास में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चलोगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कंप्रीहेंशन में, कंप्रीहेंशन जो स्टूडेंट ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको पता है कि हाँ करेक्ट आंसर क्या है, चूंकि इसके करेक्ट आंसर तक आप पहुँच जाओगे। कंप्रीहेंशन में ऐसा नहीं है, चूंकि इसमें जो है वो कई बार जो है वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप डाउट में रहोगे कि पता नहीं ये जो मैंने आंसर टिक करा है ये सही होगा या नहीं होगा, यूपीएससी इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, तो ये हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे एक डाउट लगा रहता है जो कि इस वाले सेक्शन में जो है वो डाउट नहीं होता है। तो अब आपको अप्रोच कैसे करने हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं, तो बस अब आप ये खुद से डिसाइड करो कि आपको 27 क्वेश्चन जो है वो सही होने हैं। आपने यहाँ पे देख लिया कि आप 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 32 सही होने चाहिए, 15 गलत करने की छूट है। 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 35 सही होने चाहिए, 24 गलत होने की जो है वो यहाँ पे छूट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो वो अननेसेसरी आपका टाइम जो है वो खराब हो जाएगा, उससे कुछ फायदा आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आप कोशिश करो कि इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और ये जो गलत ज़्यादा हो रहा है ये कम गलत हो, ठीक है। ये एक बेहतर अप्रोच हो सकता है सीसेट को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कि आपको किस सेक्शन से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आइडियल हम लोग मान के चलते हैं कि 47 क्वेश्चन को अटेम्प्ट हमें करना है, तो सिंपल सी बात है अगर आप देखोगे कंप्रीहेंशन, तो कंप्रीहेंशन वाले स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स को ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 26 रख लो। एक दो क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से वो कर ही लेंगे, चूंकि एलसीएम एससीएफ वाला क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, तो यहाँ पे ये कर लो। तो 26 यहाँ पे मान के चलो या 25 मान लो यहाँ से। रीजनिंग वाले में लगभग 16 तो 15 मान लो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 15 और यहाँ पे 15 करोगे तो 40 के आसपास में ये पहुंच गया। फिर ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे करीब करीब 10 के आसपास में, तो ये टारगेट हो सकता है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स वाले हैं उनके लिए, और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जिनके मैथमेटिक्स स्ट्रांग हैं उनके लिए कुछ कहने की बात ही नहीं है, वो सीधे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को टारगेट करें, डेटा इंटरप्रिटेशन को टारगेट करें और उनका काम जो है वो बन जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो कंप्रीहेंशन में भी कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे 1 मार्कर वाला क्वेश्चन जो होता है कंप्रीहेंशन जो उसका पैसेज होता है वो ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू जो लॉन्ग वाला होता है, ठीक है। तो ये आप इसको टारगेट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिसोर्सेज के ऊपर कि इसकी रिसोर्सेज में आपको कहां से क्या क्या करना है। तो 2 रिसोर्सेज मात्र इसके फॉलो करने हैं। एक रिसोर्सेज जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करा दूंगा, उसकी बुक करीब 600 MB के आसपास में आएगी, स्कैन PDF है, तो वो आप बाय कर लोगे, करीब उसका प्राइस जो है वो 800 से ऊपर के आसपास में है, तो उसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली जो बुक है वो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इसमें कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं है, इसमें आपको क्या है मैं दिखा दूं, तो इसमें जो सॉल्व पेपर है वो है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसमें 2020 तक, ये मैंने पहले ही लिया था 2021 के एग्जाम होने के पहले, तो ये 2020 तक की सारी चीजें इसमें दी गई है। तो इसमें क्या है कि पिछले 2-4 साल का सॉल्व पेपर है, ठीक है, सीसेट का, और उसके बाद इसमें करीब प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो वो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि आपकी एक बार तैयारी पूरी हो जाएगी तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। और किस बुक से आपको तैयारी करनी है ये सारा टॉपिक, तो इस सारी टॉपिक को आपको तैयारी करने हैं आर्यन का ही एक बुक आता है क्रैक सीसेट, वो आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख जाएगा। और अगर आपको ये बाई करना है,
अगर हार्ट पेपर में, तो अमेजोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बाय नहीं करता है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सही अप्रोच है और बहुत ही मेरे हिसाब से कि एक परफेक्ट अप्रोच जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।